हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जिद्दू कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा हुआ व्हाट वी आर सीकिंग ऐसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ऐसे की स्टार्टिंग एक क्वेश्चन के साथ होती है, व्हाट वी आर सीकिंग, व्हाट वी वांट। हर कोई स्ट्रेसलेस वर्ल्ड में शांति खुशी की तलाश कर रहा है, जहाँ पर सभी लोग इस टेंशन से भरी दुनिया में, जहाँ पर झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, दुख है, अशांति है, इस दुनिया से हटकर एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे शांति हो। इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह, एक धर्म से दूसरे धर्म, एक संगठन से दूसरे संगठन की ओर जा रहे हैं। हम खुशी की तलाश में ग्रेटिफिकेशन को खोज लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये हमें खुशी देगा। हम ग्रेटिफिकेशन को तो पा सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि। हम ग्रेटिफिकेशन को तो पा सकते हैं पर हैप्पीनेस को नहीं। हैप्पीनेस तो एक प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, जिसको प्राप्त किया जाता है। हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो ग्रेटिफिकेशन है, यह हैप्पीनेस है। शायद हम ग्रेटिफाइड होना चाहते हैं ताकि हम हमारी खोज, हमारी जो तलाश है उसमें पूर्णता, फुलनेस, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेटिफिकेशन को अगर एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि हमारे सामने गुलाब जामुन रखे, हमारा मन गुलाब जामुन खाने के लिए है, तो हम गुलाब जामुन खाएंगे, एक गुलाब जामुन खाएंगे, दो गुलाब जामुन खाएंगे, तीन खाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस चीज़ से हम पूरी तरीके संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, हमने गुलाब जामुन खा लिया। लेकिन वो चीज़ हमें एक पल भर की खुशी देगी ना, उस चीज़ की वजह, मतलब उस गुलाब जामुन को खाने के बाद आप ये तो नहीं सोचेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को पा लिया, आप अब हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि आपने गुलाब जामुन खा लिया। तो ये ऐसा नहीं होता, ये ग्रेटिफिकेशन है कि हमने गुलाब जामुन खा लिया, हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम खुश हो चुके हैं। लेकिन हम उस गुलाब जामुन को खा कर पूरी लाइफ भर संतुष्ट, मतलब खुश नहीं रह सकते हैं। हमारी जो चाहते हैं वो धीरे धीरे करके एक के बाद एक बदलती जाती हैं। अगर हमें शांति की तलाश है तो हम किसी भी आइडिया, किसी भी विचार को फॉलो कर सकते हैं और शांति को हम इजीली पा सकते हैं। पर हम किसी आइडिया या किसी विचार को फॉलो करके कुछ टाइम के लिए हम शांति पा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया या वो विचार या हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि लोग किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी फिलोसोफर को, है ना, या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और सोचते हैं कि हमें वहाँ जाकर, हम उनको फॉलो करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हमें, अगर हमें पता होगा कि हम अपने अंदर और हम अपने बाहर से क्या चाहते हैं, अगर हमें ये चीज़ क्लियर होगा तो हमें कभी भी किसी संत या किसी महात्मा या किसी भी टीचर या किसी भी धार्मिक स्थान में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपनी समस्याओं को, हम अपनी उलझनों को बाहर खोजते हैं, जबकि वो सारी उलझनों, वो सारी समस्या, इन सब चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो हमारे अंदर होता है। बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे संस्थान में जाते हैं ताकि वो अपनी समस्या का हल खोज सकें। और अगर कभी ऐसा होता है कि किसी बुक में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पीपल या कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर हमें हमारी समस्याओं का हल मिल जाता है तो हम उसी जंजाल में फंस कर रह जाते हैं और उन्हीं लोगों को फॉलो करने लगते हैं, उन्हीं विचारधाराओं को फॉलो करने लगते हैं और हमेशा के लिए वहाँ फंस कर रह जाते हैं। हमें कुछ ऐसा खोजना चाहिए जो सच हो, जो परमानेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि हम अपने आप को जान सकें। जिद्दू कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि हम कभी भी अपने आप को नहीं जानते हैं क्योंकि हम बचपन से बुक्स पढ़ते आए हैं, बुक्स में लिखे हुए फैक्ट्स को पढ़ते आए हैं, जो दूसरों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है उन सभी चीज़ों को हम सच मानते आए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम कभी भी, एक व्यक्ति कभी भी अपने आप को अच्छे से नहीं जानता है क्योंकि वो उन बुक्स में लिखे हुए फैक्ट्स को जानते हैं, पर उन्होंने मतलब जो व्यक्ति है वो पर्टिकुलर खुद के एक्सपीरियंस को नहीं जानता, ना ही वो खुद को समझता है, इसलिए उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आगे जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि परमानेंट क्या है, ये क्वेश्चन करते हैं वो कि परमानेंट क्या है। हम आशा करते हैं कि हम जो खोज रहे हैं वो परमानेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। हम ऐसा चाहते हैं जो हमेशा बना रहे, जिसे हमें खुशी मिले, संतुष्टि मिले,
पर हम परमानेंट प्लेजर, परमानेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसे हम सच्चाई या ट्रूथ कहते हैं, वही चाहते हैं। फिर आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें प्लेजर चाहिए, फिर चाहे वो प्लेजर हमें नॉलेज से प्राप्त हो, चाहे वो हमें एक्सपीरियंस से प्राप्त हो। आगे वो बताते हैं कि ग्रेटिफिकेशन जो होता है, जिसे हम खुशी समझ लेते हैं, वो कभी ना कभी हमसे दूर हो जाता है, और हम परमानेंट ग्रेटिफिकेशन, दोनों में जो डिफरेंस है ना, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते कि परमानेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। कृष्णमूर्ति आगे सवाल करते हैं और कहते हैं कि हम क्या खोज रहे हैं, क्या हम परमानेंट ग्रेटिफिकेशन खोज रहे हैं। और वो ये बताते हैं, वो इस सवाल का जवाब देते हैं, कहते हैं कि जब हम यह कहते हैं कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस की तलाश है, तो सबसे पहले हमें एक सर्चिंग, सर्चर और सीकिंग, इन तीनों को समझना होगा। अब यहाँ पे सर्चर का मतलब होता है कि व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कुछ खोज रहा है। सर्चिंग का मतलब कि वह व्यक्ति किस चीज़ की तलाश में है, मतलब कौन सी प्रक्रिया कर रहा है, कौन सी चीज़ कर रहा है। और सीकिंग मतलब वो क्या खोज रहा है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। हम जैसा सोचते हैं वो हो सकता है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सच्चाई में वो चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से उस चीज़ से जैसा हम सोच रहे हैं उससे पूरी तरीके से डिफरेंस हो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो, है ना। कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि काश हमारे साथ ये होता, और है ना, लेकिन इन रियलिटी ये चीज़ पूरी उससे जस्ट अपोजिट में होती है, जस्ट अपोजिट में हो जाती है। जैसे हम गोलगप्पे का एग्जांपल दे सकते हैं कि हम घर से निकलते हैं सोचते हैं कि वाह आज जाएंगे गोलगप्पे खाएंगे, खूब मज़ा आएगा, पर जब हम वहाँ पे जाते हैं और पता चलता है कि गोलगप्पे वाले भाई ने इतने बेकार गोलगप्पे खिलाए कि पूरी तरीके से मन गोलगप्पे की तरफ से उठ जाए। तो यही चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं कि कभी सीकर, कभी सर्चिंग, ये दोनों चीज़ जो है डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। जैसे थिंकर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थॉट्स, मतलब थिंकर क्या, कौन है। जैसे कि मैं कुछ सोच रही हूँ या जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप थिंकर हैं, मगर आपके सोचने में और मेरे सोचने में दोनों में डिफरेंस हो सकता है ना, दोनों के थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यही वो बता रहे हैं। पॉइंट ये है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि पीस, हैप्पीनेस, रियलिटी, गॉड, जो भी चीज़ है, क्या वो किसी दूसरे से प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम अपनी खुशी दूसरों में तलाशते हैं, जब जैसे हमें कभी प्यार हो जाता है किसी भी से, तो हम पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर व्यक्ति में ही अपनी सारी खुशियां खोजने लगते हैं। लेकिन कब एक समय आता है ना, फिर हम अपनी जो सच्चाई है उससे बाहर निकल जाते हैं कि खुशी दूसरे में नहीं, उस व्यक्ति में नहीं है, खुशी हम में है। तो यही पे, यहाँ पे कृष्णमूर्ति वही कह रहे हैं कि जो खुशी है ना, या हैप्पीनेस है, या रियलिटी है, या कोई भी चीज़ है, वो कभी हमें किसी दूसरे से प्राप्त नहीं होता है, वो हमें खुद से ही प्राप्त होती है। सेल्फ नॉलेज कैसे आता है, ये सवाल है उनका, जिद्दू कृष्णमूर्ति का। फिर वो कहते हैं, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करके लोग, या लोगों के विचार को फॉलो करके, या बुक को पढ़ के, क्या हम इन सभी चीज़ों से सेल्फ़ नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे विचार, हमारे थॉट्स सब बेकार हैं। हम ऐसे इल्यूज़न की तरफ भागते हैं जो सच्चाई से बिल्कुल उलट होता है। हम सच्चाई से दूर भागते हैं और दूसरों में अपनी समस्या का समाधान खोजने लगते हैं। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि यही वो लास्ट थिंग है, सेल्फ नॉलेज यही वो लास्ट थिंग है कि हमें हमारे बारे में जानना चाहिए। इसी से हमारी नींव बनती है। जब हम खुद को बनाते हैं, या खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या खुद को ख़त्म करते हैं, ठीक है, या खुद को चेंज करते हैं, या खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को करने से पहले हम जान लें कि हम कौन हैं। हम सच्चाई की तलाश के पहले हमें खुद को समझ लेना चाहिए कि हम क्या खोज रहे हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सभी एक दूसरे से रिलेशन के साथ बंधे हुए हैं। जब हमें सेल्फ नॉलेज प्राप्त हो जाता है, तो यही सेल्फ नॉलेज हमें हमारे रिलेशनशिप से दूर करती है और हमें एकांत की तरफ ले जाती है। और जब हम एकांत में जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कृष्णमूर्ति फिर हमें सवाल करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह जानने के पहले हम खुद को
समझना होगा और खुद के साथ हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। यह सुनने में आसान लगता है पर यह सच में एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। फिर आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति की विचारधारा को फॉलो करना होता है और समझना होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के विचार को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के समझ को। पर समस्या ये है कि हम बहुत इम्पेशेंट होते हैं, हमें कोई भी चीज़ जल्द से जल्द चाहिए होती है, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट जल्द से जल्द चाहिए होता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप अशांत हैं, आपका मन अशांत है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आपको इससे शांति मिलेगी। पर हम बहुत इम्पेशेंट होते हैं, हम एक दिन मेडिटेशन करते हैं वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं और ऐसे देखते देखते 15 दिन निकल जाते हैं, पर फिर भी हमारी अशांति, हमारे मन की जो अशांति है वो मिट नहीं पाती है। और हम ये विचारधारा बना लेते हैं कि नहीं, मेडिटेशन सही चीज़ नहीं है, हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यही चीज़ वो कहते हैं, जितू कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम मेडिटेशन किए बिना ही हम कुछ समय में ही यही समझ जाते हैं, समझ लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट तो बेकार है, ये हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन मेडिटेशन जल्द जल्द से जल्द प्राप्त नहीं होता, मेडिटेशन करने के लिए बहुत टाइमिंग लगती है, बहुत समय के बाद परफेक्शन आता है और उस समय तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिज़ल्ट जल्दी चाहिए। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पूरी दुनिया में गुरु और उनका सिस्टम चल रहा है। आप जहाँ भी देखेंगे सब जगह आपको एक गुरु मिलेंगे, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संगठन में हो, कहीं भी हो। अगर हम इस संबंध में कोई किताब भी पढ़ते हैं तो हमें अंत में खुद पर ही लौटना होता है। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं जितना ज़्यादा हम खुद को जानेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें साफ़ होती जाएंगी, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सेल्फ नॉलेज का कोई भी अंत नहीं होता है, इसमें आपको कोई अचीवमेंट थोड़ी ना है जो आपको प्राप्त करनी होती है सेल्फ नॉलेज। और वो ये भी कहते हैं कि सेल्फ़ नॉलेज में आपको कभी भी कोई भी एंड पॉइंट पे नहीं जाना होता है। सेल्फ़ नॉलेज एक एंडलेस रिवर है जिसमें आप बहते ही जाते हैं, बहते ही जाते हैं। आप जितना आगे जाते जाएंगे आपके लिए और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आगे आप चीज़ों को जानना चाहेंगे। जैसे खुद को हम पढ़ते जाते हैं और यह मतलब जैसे जैसे हम अपने आप को पढ़ते हैं है ना, वैसे ही सेल्फ नॉलेज जो है वो धीरे धीरे और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इस तरीके से हम शांति को प्राप्त कर लेते हैं और जब हम पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं तब हम एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं और तब हम अपने आप को पूरी तरीके से जान चुके होते हैं। अगर कोई खुद को समझ जाता है तो वह एक क्रिएटिव हैप्पीनेस प्राप्त करता है और वो यह चीज़ महसूस करता है कि जो हमारा माइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा माइंड और ब्रेन ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती है ना। तो वो ये कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके समझ जाते हैं फिर आपको एक हैप्पीनेस, ऐसी हैप्पीनेस प्राप्त हो जाती है जो कभी आपका मन प्राप्त नहीं, मतलब मन महसूस नहीं कर पाता है, उसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक बदलाव आए इस चीज़ से और इसी वजह से जिस वर्ल्ड में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमें रिलेशनशिप में बदलाव आएगा और हमें शांति और खुशियाँ प्राप्त होंगी। इन शॉर्ट कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं पूरे ऐसे में, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि वो ये कहते हैं कि आप खुद को जानिए, आप अपनी समस्याओं को समझिए कि आपकी क्या समस्या है, क्योंकि हम अशांत क्यों हैं, हम अपनी समस्याओं की वजह से ही अशांत हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आप खुद को जानिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझिए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप खुद से दूर कीजिए, ना कि आप किसी को फॉलो करें या किसी की विचारधाराओं को फॉलो करें और फिर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये पूरे पूरा ऐसे था। अगर इसमें हम देखें तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में आ सकता है, ऐसे कोई क्रिटिकल एनालाइज कीजिए या फिर ऐसे के बारे में लिखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कृष्णमूर्ति की लाइफ के बारे में भी आ सकता है, वैसे जनरली आता तो नहीं है मगर फिर भी रेडी कर लीजिए कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुआ था। बाकी ऐसे में इसका क्रिटिकल एनालिसिस ही बनेगा। ठीक
ठीक है। और इसका आपको दो चीज़ें, मतलब जैसे कम नंबर के क्वेश्चन के लिए आप ऐसे को और शॉर्ट शॉर्ट में लिखिए, और अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो ये आप इसको इतना एज इट इज़ लिख सकते हैं, 2-3 पेज के लिए तो हो ही जाएगा। बाकी आप अपना एक बार जो ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, उसको भी आप पढ़िएगा, तो उससे ये रहेगा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, जो रियल ऐसे है ना उसको भी पढ़िएगा। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, अगर किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर।